लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और जिक्र समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन का, जो जरूरी नहीं बल्कि मजबूरी कहते हुए अखिलेश यादव नजर आए हैं और ये बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश ने कहा है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन हालात की वजह से हुआ, परिवार में अगर झगड़ा नहीं हुआ होता तो फिर ये गठबंधन में नहीं होता। और इसी से निकलता ये बड़ा सवाल कि क्या ये गठबंधन जरूरी नहीं मजबूरी है। अखिलेश की मजबूरी है कांग्रेस से गठबंधन, मजबूरी का है अच्छे लड़कों का साथ, दोस्ती के पीछे की क्या है असल वजह? ये वो वाल है जिसका उठना इस वक्त लाजमी है। वजह है अखिलेश का वो इंटरव्यू जो उन्होंने अंग्रेजी अखबार द हिंदू को दिया है। द हिंदू के साथ बातचीत में अखिलेश यादव ने कई मुद्दों पर रोशनी डाली, कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन इन सबके बीच सबसे अहम सवाल था कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन की आखिर क्या थी जरूरत। अखिलेश ने भी इस सवाल के जवाब में असल हकीकत से पता ही उठा दिया। अच्छे लड़कों की दोस्ती, रोड शो और रैलियों के बीच अखिलेश ने उस सत्य पर्दा उठा दिया जिसका सवाल कई बार उनसे पूछा गया। यूपी के लड़कों के नारे, राहुल गांधी के साथ रोड शो और रैलियों के बीच अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर बड़ा बयान दिया। कांग्रेस के साथ गठबंधन हालात की वजह से हुआ है, अगर परिवार में झगड़ा नहीं होता तो कांग्रेस से गठबंधन भी नहीं होता। सीएम अखिलेश का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब सूबे में करीब आधा चुनाव खत्म हो चुका है। कांग्रेस के साथ गठबंधन हालात की वजह से हुआ, अगर परिवार में झगड़ा नहीं हुआ होता तो गठबंधन नहीं होता। हालांकि अखबार के साथ इस बातचीत में अखिलेश ने कांग्रेस के साथ गठबंधन के फैसले को एक अच्छा फैसला बताया। राहुल गांधी के साथ रिश्तों पर अखिलेश ने कहा कि मेरे और राहुल के बीच अच्छा तालमेल है, हम एक उम्र के हैं और एक जैसा सोचते हैं। अब ऐसे वक्त में अखिलेश के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही अखिलेश के इस बयान से उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या तूफान आएगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस।